जबकि दूसरे देश की बेटी से कहा जाए, चीन, जापान, रूस, अमेरिका, इन विदेशी कंट्रियों की लड़कियों से कहा जाए कि बेटी मेरा कर्जा अदा कर दे, तो बाप के ऊपर उल्टा मुकदमा दायर कर देगी, सलाखों के बीच में पहुंचा देगी। लेकिन भारत की बेटियां अपने मकान के खातिर अपने जिस्म तक को गिरवी रखने की हिम्मत रखती हैं। नहीं ये आन की हड्डी, नहीं ये शान की हड्डी, कभी कमजोर नहीं हो सकती हिंदुस्तान की बेटी। मुझे गर्व है हिंदुस्तान की बेटियों पर, जो जब जब हमारे देश पर विपदा पड़ी है, कोई आपत्ति आई है, हमारे देश की बेटियों ने, चाहे हिंदू सही, मुसलमान सही, सिख सही, ईसाई सही, सब लड़कियों ने धरातियों को पिघला पिघला करके तलवार बना करके दुश्मन का सर को उड़ाया है। लेकिन धिक्कार है उन बापों पर जो अपनी बेटी की हसरतों का गला घोट देते हैं। अरे बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं अपने मैके से ससुराल जाऊंगी और एक नई दुनिया बसाऊंगी। वो तो बेचारी एक गाय के समान है, एक पशु के समान है, जब चाहो जिसके हाथ में थमा दो उसी के साथ चली जाएगी। बाबा वजान, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसा हक अदा कर दिया। अरे गजा सितम ये क्या किया बाबा, अक्ल मेरी हैरान। गजा सितम ये क्या किया अरे बाबा, अक्ल मेरी हैरान। सोच समरी कर काम को तुम करिए बात, देखो देखो इस मजलूम की तरफ। क्या ये किसी के घर में खाना पकाने लायक है या किसी के घर नौकरी करने लायक है? मजबूरी है बेटा, मजबूरी है बहन, मंजरी को ना इनके इनके साथ पठाना चाहिए। और श्रीमान जाने का मुझे इरशाद सुनाना चाहिए। बेटे और बाप का कर्तव्य बताइए। बेटा बेटा और बाप का कर्तव्य ये है कि जब बेटा जवान हो जाता है तो हर परेशानी मुसीबत में बेटा ही काम आता है। बेटे का हक बताइए। बेटे का ये होता है, परेशानी मुसीबत में बेटा ही काम आता है, यही हक बेटे का होता है। ठीक कहा आपने। जब बेटा उसके बेटा अपने बाप की जमीन का मालिक हो सकता है तो बेटे का भी एक फर्ज है, अगर कर्ज करके मर जाए तो उसके कर्ज के लिए अता करे। तो ये हक आप मुझसे क्यों छीन रहे हैं? क्यों आप मुझे अपना बेटा मानते हैं? हाँ बिल्कुल, झूठ बोलते हैं आप, आप मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं। आप अपने मन में ये सोचते हैं कि ये मुसलमान का लड़का है, अगर मैं इससे कोई एहसान ले लूंगा तो एहसान तले दब जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तो ये मंजरी से भी ज्यादा समझता हूँ। सबसे ज्यादा किसे मानते हैं आप? मैं ऊपर वाले को मानता हूँ। गंगा को क्या मानते हैं? गंगा गंगा ही है, गंगा में हर एक इंसान आकर हिंदू भाई पवित्र हो जाता है गंगा स्नान करके। कसम खाओ, गंगा की कसम, शंकर कसम, तेरे सर की कसम, मैं तेरे मंजरी से भी ज्यादा समझता हूं। तो बाबा ये हक मेरा है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। क्या जब बेटा है मौजूद तो ना बेटी को सताना चाहिए। अरे प्यारे बाबा जान खोपूस रब का खाना। सोच मुझे इस बात का नहीं कि आपने 4,000 रुपए कर्ज कर लिया, सोच मुझे इस बात का है कि मैं इस घर का एक सदस्य होते हुए मेरी सलाह मशवरा नहीं ली जाती। बहन की देख तैयारी, रंज मुझको है भारी, मैं बस गमगीन खड़ा हूं। देखो गिरमी की क्या चले, बिकने को तैयार खड़ा हूं। आपका नाम बदनाम क्यों हो जाएगा? वो यूं होगा, ये तेरी कौम वाले बेटे यही कहेंगे कि पंडित जी को एहसान कर दिया, मुसलमान के लड़के को पाल लिया है? कहेगी तेरी कौम, पंडित ने क्या लड़के को
उस समय कहां गए थे जब मैं 7 वर्ष का बच्चा शहर इंदौर की गलियों में मारा मारा फिर रहा था। मैं वो कटी पतंग था जिसकी डोर किसी के हाथ में ना थी बाबा, उस डोर को आपने थामा, फिर मुझे पढ़ाया लिखाया, सच्चा मुसलमान बनाया, दीन से नहीं डिगाया। आज ये बाप और बेटे के बीच में एक मजहब की दीवार खड़ी कराएंगे? नहीं, किसी को कोई हक नहीं है। मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे बाप हैं, इसलिए मेरी एक रजा है, क्या आप मंजरी को नहीं मुझे देख दीजिए। जैसी तेरी रजा नहीं मैं वैसा करने वाला, मर जाऊंगा तो तेरी बात करे जा थर थर मेरा। बाबा हर बात को बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन मैं मर जाऊंगा, मंजरी को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मंजरी को जाने दे, सबर दिल में आने दे, सकल सुन सच्चा मेरा किया करूंगा मुझे के जलाल में। अरे क्या खाक किएंगे आप जब शहर इंदौर की गलियों में निकलेंगे? हर आदमी ये कहेगा ये वो पंडित जा रहा है, ये वो पंडित है जिसने 4,000 के बदले अपनी बेटी के लिए गिरवी रख लिया। क्या आप जी सकेंगे बाबा? नहीं, जिस मकान की खातिर आप अपनी बेटी के लिए गिरवी रख रहे हैं उसी मकान के अंदर रो रो करके मर जाएंगे, घुट घुट कर करके मर जाएंगे, और मुझे कहेंगे ये वो जलील इंसान जा रहा है जिसके लिए पंडित जुगल किशोर ने इतने बड़े से इतना बड़ा कर दिया। लेकिन इस कंबख्त ने क्या किया? इसकी बहन इसके सामने गिरवी रखी गई, ये कंबख्त खड़ा खड़ा मुंह देखता रहा, क्या मैं जी सकूंगा? नहीं, लोगों के ताने सुन सुन करके मैं भी मर जाऊंगा बाबा। उधर मंजरी मेरी और तुम्हारी याद में वहां जाकर के मर जाएगी, ये परिवार ही खत्म हो जाएगा बाबा। ना बेटा ऐसा मत सोच। मैंने डिग्रियां हासिल की हैं, वकालत करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं शेर जी से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। बेटा तुम भी पढ़े लिखे हो, ये बड़े आदमी हैं, जरा अपने हिसाब से ही बात कर लो। मुझे हर जुबान आती है, आप चिंता ना करें। शेर जी, भगवान का दिया हुआ आपके पास में सब कुछ है, अल्लाह ने आपके लिए इस लायक बनाया है, आपको देने लायक बनाया है और मुझे लेने लायक बनाया है। अल्लाह हर किसी के लिए नहीं देता, उसी को देता है जो देने लायक है। आप मेरी बहन को ना ले जा करके आप मुझे ले चलिए, वाह खुदा मैं कसम खा के कहता हूँ आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। आप कहें मेरे कपड़े धो तो मैं कपड़े धोऊंगा, आप कहें मेरे बर्तन मांज तो बर्तन मांजूंगा, आप कहें जूते साफ कर। अरे जूते गंदे करती है नालायक, इधर आ, ए इधर, अरे इधर तो आ। अब ये क्या कह रहे यार, इधर सुन, ये क्या कह रहे हैं, बदले में मुझे ले चलो। अबे इसे लेके हम क्या करेंगे? जूता कहाँ तक मंगाएंगे? अबे सुन तो ले, इसे ले जाके हम तुम क्या करेंगे? बोल दिए।